पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। और हम ध्यान योग 16 कारण भावना ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ध्यान की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, आज 8वीं भावना साधु समाधि भावना की ओर। जो श्रमण अंत समय तक धर्म ध्यान में स्थित रहकर आत्म अनुभव का रसपान करते हैं, मन वचन काय से उपयोग को स्थिर रखते हैं, सहधर्मी साधकों को विषम परिस्थिति में संबल देते हैं, ऐसे साधु वस्तुतः साधु समाधि भावना को प्रतिपल धारण करते हैं। तो चलिए आज का ध्यान पंच मुद्रा की तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा के साथ प्रारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बनाकर, हथेलियों को अपने कंधे के पास तक ले जाकर, कंधे पीछे की ओर खींचते हुए, सीना बाहर की ओर निकालते हुए, हथेलियां ऊपर, बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई, और महसूस करेंगे आचार्य परमिष्ठी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में भावनाओं में 8वीं भावना है साधु समाधि भावना। आइए इस भावना का भी हम आनंद लेते हैं, इसकी भावना करते हैं। जिसके चित्त विशुद्धि रहती, क्लेश रहित जीवन जीता, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से आत्म अनुभव रस पीता, आत्म में ये भाव निराले, विरले जन में हैं मिलते, साधु समाधि भावना वाले, मुनियों के मन मुख खिलते, मनोयोग अवचन योग से, काय योग से सहित हुआ, तीनों योग सहित श्रमणों का सावधान उपयोग हुआ,
योग और उपयोग बने जब निश्चल एक लक्ष्य संधान, ऐसा साधु सतत भा रहा साधु समाधि भावना जान। किसी साधु के लिए कभी भी नहीं सोचता वक्र सदोष, नहीं कभी भी अप्रिय बोले वचन काय से मृदु निर्दोष। छोटे बड़े सभी सहधर्मी सबके सुख की चाह करे, उस साधक के हृदय कमल में साधु समाधि स्वभाव भरे। स्वयं दुखी जो हो जाता है देख दूसरों का अपमान, और देखना चाहे नित जो निज पर का हित कर सम्मान। आत्म रूप में रुचि रखता है करा रहा रुचि आत्म में, साधु समाधि भावना उसके प्रत पल पलती आत्म में। अंत समय में मरण समाधि धार रहा उत्साहित हो, छपक मोह क्षय करने वाला देख रहा उसका भी हो। जो उनकी परिचर्या में नित तत्पर हो उपयोग लगा, साधु समाधि भावना धारक तीर्थंकर पद बंध पगा। श्रुत को पढ़ पढ़ तप को तप कर जो तप श्रुत में निष्ठावान, वह साधक आराधक माना दश धर्मों का निश्चय जान। जो श्रद्धा से निज आत्म को आराधन में दृढ़ करता, साधु समाधि भावना उर में रात दिवस साधक धरता। मन चंचल है जिस साधक का विचलित होता रहता, जो निज मति बल से मृदु वचनों से उसको संबल देता, जो मानो पवन वेग से दीपक बचा रहा देकर कर ओट, साधु समाधि भावना भाता देकर के आवश्यक चोट। सबका चित्त रहे अपने में जो विचारता रखे विचार, यह मानुष तन अस्थिर सबका आपस की सब कलह सुधार। अपने व्रत का ध्यान धार कर निज हित का जो करे विचार, साधु समाधि भावना उसको कर देती है भव से पार। सदा रखे शुभ भाव हृदय में जो प्रमाद से मुक्त सदा, चित्त ध्यान में तृप्ति आत्म में पर तृष्णा से मुक्त सदा, वह साधु ही नित समाधि की रहे भावना में तल्लीन। जग में रह कर मुक्त रहा है वही है जग में परवीन। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। 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 ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु।
ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु।
ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। ओम अरहम नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्थिरता और एकाग्रता की कमी है? हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे या फिर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे, तो परेशान ना हो। इसका समाधान आपको सिर्फ 10 दिनों में मिल सकता है, वो भी घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन ग्रुप से जुड़े, सतगुरु निर्देशन में धर्म का लाभ ले। अगर आपके लिए अपने घर में रहते हुए ही धर्म ध्यान करने का साधन मिल रहा है, तो भी आपको महाराज व्यापार पूरा बंद तो नहीं हो सकता 10 दिन के लिए। दुकान पे जाना पड़ता है, दोपहर के टाइम की छूट दे दो, सब कुछ बहानेबाजियां हमारे सामने आ रही हैं। जब तक हमारे मन में इतना भी भाव नहीं आएगा कि अगर लॉकडाउन में हम महीनों महीनों व्यापार बंद करके भी जीवित रह सकते हैं, तो एक बार धर्म के लिए 10 दिन के लिए तो अपना व्यापार थोड़ा सा कम करके भी जीवित रह सकते हो। लेकिन आदमी पराश्रित होकर के सब कर सकता है, स्वाश्रित कभी कुछ नहीं करता। पराश्रित होकर के भूखा रह लेगा, प्यासा रह लेगा, सब तरीके के कष्ट सह लेगा। अगर मम्मी पापा कहीं 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बॉम्बे और दिल्ली के हॉस्पिटलों में भर्ती होंगे, तो 10-10, 15-15 दिन के लिए भी वहां पर रहना हो जाएगा। लेकिन स्वाश्रित रह करके धर्म करने के भाव बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये भाव तभी बनते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी सी मोह की कमी आए। और ये भाव आपके अंदर बने, आपके अंदर मोह की कमी आए, इसलिए हर तरीके का आपके सामने प्रावधान है। ऑनलाइन भी ये शिविर चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो दूर दराज में हैं, आ नहीं सकते, अपनी मजबूरियों के कारण से वो अपने घर पर धर्म ध्यान करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन सुबह के होने वाले ध्यान प्रवचन, बीच में अनेक तरह के दिए जाने वाले क्विज, अनेक तरह की टास्क उनके लिए दी जाती हैं, जिसके माध्यम से वह दिन भर एंगेज रहते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। और जिस तरह से पहले कोरोना के समय में अनेक लोगों ने घर में बैठ करके स्वधर्म शिविर का आनंद लिया था, ऐसे ही ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रह करके भी धर्म कर पाएंगे। अपने मन के अंदर ये विचार लाओ कि 10 दिन के लिए हमें संयम भाव में आना है, 10 दिन के लिए हमें केवल धोती और दुपट्टा यही वस्त्र पहनना है, 10 दिन के लिए हमें मोबाइल का त्याग करना है, 10 दिन के लिए हमें एक ब्रह्मचारी बनकर के जीवन जीना है, फिर देखते हैं उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी जिंदगी के 10 दिन तो ऐसे निकालो जो गोल्डन 10 डेज कहलाएं। अगर आप अरहम ध्यान योग के विशिष्ट प्रकार के ध्यान करना चाहते हैं, तो अरहम ध्यान योग के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ें। पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक अपलोड की जानकारी प्राप्त करें। ओम अरहम नमः।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?